चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को लेकर मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का यह मामला सामने आया। एसआई की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, एसआई की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई, तो याचिका में सर्वे को 4 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का यह मामला है और एएसआई की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई है। तो याचिका में सर्वे को 4 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और एएसआई सर्वे मामले पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। तो मामले में आज मुस्लिम पक्ष आपत्ति अपनी रखेगा, और ज्ञानवापी परिसर में आपको बता रहे एएसआई का सर्वे लगातार जारी है, और सर्वे में तमाम साक्ष्य और सबूत जो है वो निकलकर सामने आए थे, और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पहले भी मस्जिद से पहले यहां पर कोई इमारत रही है, और वो इमारत जो कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो एसआई सर्वे मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई करेगा, और मामले में आज मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति करेगा। अप्रैल से शुरू हुई थी एसआई सर्वे की यह कार्रवाई, अब लगातार आगे जारी है, और सर्वे को बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, सर्वे को लेकर कार्बन डेटिंग समेत तमाम ऐसी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे एकदम स्पष्ट जो वस्तु स्थिति है वो निकलकर सामने आए, और इसको लेकर अब सर्वे को आगे बढ़ाया गया है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई का सर्वे का मामला चल रहा है, और इसको लेकर अब और वक्त मांगा गया है। एसआई की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई है, और अतिरिक्त समय मांगा गया है। याचिका में सर्वे को 4 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की गई है। एसआई सर्वे मामले पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा, और मामले में आज मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति करेगा। आपको बता दें, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से जब पहले यहां पर सर्वे हुआ था, कोर्ट कमीशन गठित किया गया था, और उसके बाद वहां पर एक शिवलिंग की आकृति मिली थी, और बताया जा रहा है कि स्वयंभू शिवलिंग वही है, और जिस तरीके से जो नंदी बाबा विश्वनाथ परिसर में मौजूद है, उनका मुख भी उस ओर है, जिस वजह से इस बात की तस्दीक और ज्यादा होती है। तो अब सर्वे किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर ज्ञानवापी परिसर में। अब एएसआई की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई है।